जिसकी न शुरुआत है, जिसका न कोई अंत है, जिसका न कोई पर्याय है, जिसका न कोई आयाम है, जिसका न कोई खंड है, जिसका न कोई विखंड है, जो आदि है, जो अनंत है, उस ब्रह्मांड व्यापी शिव शक्ति की जय हो। फतेहपुर शहर के पश्चिमी शोर स्थित प्राचीन शिव मंदिर तांबेश्वर में लाखों भक्तों के आस्था का केंद्र है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ आने वाले भक्तों के संकट दूर होते हैं। ये एक ऐसा शिव मंदिर है जिसके दर्शन मात्र से कैदियों की सजाएं माफ हो जाती थी, जिस मंदिर ने अंग्रेजी हुकूमत को सोचने पर मजबूर कर दिया, जिसके दर्शन से हजारों हजार कैदियों की सजाएं माफ हो गई, वो है भगवान शिव का तांबेश्वर सिद्ध पीठ मंदिर। मुख्यालय से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। वैसे तो तांबेश्वर मंदिर अपनी भव्यता के लिए जाना जाता है, लेकिन ऐसी कई कहानियां हैं जो मंदिर के प्रति आस्था को और प्रांगण और मजबूत बनाती है। मंदिर के निर्माण की सटीक जानकारी कोई नहीं है, फिर भी लोग मानते हैं कि इस मंदिर का इतिहास हजारों साल पुराना है। लोग बताते हैं कि पहले यहाँ दूर दूर तक कोई गांव नहीं थे, चारों तरफ घनघोर जंगल था और भगवान शिव के पश्चिम दिशा में जेल थी, जिसमें अंग्रेजों के शासन में कैदियों को रखा जाता था। कहा यह भी जाता है कि उस समय जब कैदी जेल से निकलते थे तो पूरब दिशा में स्थित भगवान शिव के दर्शन होते थे, दर्शन मात्र से कैदियों की सजाएं माफ हो जाती थी। ऐसे हजारों हजार कैदियों की जब सजा माफ होती गई तो अंग्रेजी हुकूमत में खलबली मच गई कि आखिर कैसे इन कैदियों की सजा माफ हो जाती है। जब अंग्रेजी हुकूमत को इनकी भनक लगी कि भगवान शिव के मंदिर के दर्शन से कैदियों की सजा माफ हो रही है, तो जेल का मुख्य दरवाजा बंद कर दिया गया और जेल का दरवाजा दक्षिण दिशा में कर दिया गया। तब जाकर कैदियों की सजा माफ होने का सिलसिला रुक गया। ऐसी तमाम कहानियां और किंवदंतियां हैं जो इस मंदिर के बारे में अपनी आस्था को और मजबूत बनाती है। वैसे यहाँ पूरे साल लोगों की भीड़ जुटी रहती है, लेकिन शिवरात्रि के दिनों में यहाँ अपार भीड़ होती है। यहाँ लाखों लोग अपनी मनोकामना लेकर आते हैं। लोग यहाँ पर अपनी मान्यताओं की पोटली भी बांधते हैं। जब उनकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है, उसके बाद उन्हें खोला जाता है और भगवान के चरणों में अर्पित किया जाता है। अगर आप फतेहपुर आते हैं तो आपको भगवान शिव के मंदिर के दर्शन जरूर करने चाहिए। स्पेशल डेस्क न्यूज़ प्लस।